बाड़मेर शहर का रहने वाला 43 वर्ष का व्यक्ति जो है वो कल देर रात ट्रेन की चपेट में आ गया, और जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और उसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और बाड़मेर स्थित राजकीय अस्पताल के मोर्चे में रखा है। तो पूरा मामला बता दूँ कि रोहिड़ा पाड़ा के रहने वाला खेतगिरी उर्फ भैरगिरी जो है पिछले 2 साल से जो है यहाँ पर रोहिड़ा पाड़ा में रह रहा था, और उसका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं था, और उसको लेकर जो है लगातार जो है घर वाले इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन कल देर रात जो है वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और बाड़मेर स्थित राजकीय अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। वहीं उसके परिजनों को इत्तला दी गई, और परिजन जो है वो मौके पर जो है बाड़मेर स्थित राजकीय अस्पताल के मोर्चे में पहुँचे हैं। और उसके जो चचाई भाई उत्तमगिरी है उसने जो है पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका भाई का जो है मानसिक संतुलन जो है पिछले 2 साल से ठीक नहीं था, और इसकी वजह से जो है वो घर पर भी उसका इलाज जो है वो करवाया जा रहा था लगातार, लेकिन कल देर रात जो है वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस का क्या कहना है, ये आप भी सुन लीजिए। सर, उत्तमगिरी राजगिरी गोस्वामी निवासी इंदिरा कॉलोनी ने रिपोर्ट दी है कि मेरा काका भाई भैरगिरी उर्फ खेतगिरी पुत्र जुगतगिरी गोस्वामी उम्र 43 साल निवासी दानजी गोदी जो 2 साल से करीबन रोहिड़ा पाड़ा में रह रहा है, उसका मानसिक संतुलन की स्थिति थोड़ी ख़राब है। उसने कल रात्रि को 12:15 बजे रेल के आगे आकर सुसाइड कर दिया है। वगैरह रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, मृतक का PM करवाया जा रहा है और आगे जाँच की जा रही है। मानसिक स्थिति के संबंध में घर पर ही इलाज करवाया, और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देवताओं के चक्र में भी है ये।